गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मंजुला सिंह, योर ब्यूटी एक्सपर्ट। चैनल का नाम है ग्रेस एंड ग्लो और मैं होप करती हूँ कि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना हो सके। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि एक अच्छा सा टोनर कैसे बनता है, फेस टोनर, या फिर उसको गुलाब जल कह सकते हैं, रोज़ वाटर घर पे कैसे बना सकते हैं, या फिर उसको आप फेस मिस्ट कर सकते हैं कि आप दिन भर में जब भी आपका फेस टायर्ड लगे, आप स्वेटी लगे, आपको अपने चेहरे को फ्रेश दिखाना हो तो उस टोनर का यूज़ कीजिए और आप उसके फ़ायदे को देखिए। तो इसमें ना सिर्फ हमने रोजेज मिलाए हैं बल्कि एक और सीक्रेट फ्लावर है जो आपको मैं जब जिस समय बता रही हूँ कि प्रोसेस उस समय आप देखेंगे। तो इस फ्लावर के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही मैजिकल फ्लावर है। इसको वर्ल्ड वाइड बोटॉक्स फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। दो फ्लावर्स को मिक्स करके हमने ये टोनर बनाया है। बहुत ईजी है, घर पर आपको 5 मिनट में आप इसको बना सकते हैं और इसका बेनिफिट आपको एक दो एप्लीकेशन के बाद ही दिखेगा। इनफैक्ट ये आपके लिए क्लिनजर होगा, ये आपका टोनर होगा, ये आपका फ्रेशनर होगा। एक आप स्प्रे बॉटल में इसको रखिए और जब भी आपके फेस को जरूरत हो रिजुविनेट करने की आप उसको फेस पे स्प्रे कीजिए और देखिए इसका कमाल। तो चलिए देखते हैं ये रोज वाटर, ये टोनर, ये फेस मिस्ट बनाते कैसे हैं। तो इस रोज वाटर, ये फेस मिस्ट या फेस टोनर को बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको इस तरह के रोज पेटल चाहिए और इसकी क्वांटिटी मैंने कम रखा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं बस सैंपल बना रही हूँ। अदरवाइज आप कम से कम 8-10 रोजेज आप इसके लिए ले सकते हैं और इसके पेटल्स इस तरह से निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ जो दूसरा हमारा फ्लावर होगा वो हिबिस्कस का होगा, उसके भी पेटल हमने देखिए इस तरह से निकाल लिए हैं अलग अलग। और ये दोनों की क्वांटिटी आप सेम ही रखेंगे। ऐसा कोई भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, वो चाहे रोज ऑयल हो या फिर होबा ऑयल हो या फिर लेवेंडर ऑयल हो। तो ये हमने एसेंशियल ऑयल भी रख लिया है। दूसरा हमारा स्टेप होगा इस तरह से, किसी भी पैन में आप बॉइलिंग वाटर ले लीजिए, इसमें आप इन दोनों पेटल्स को डिप कर दीजिए। ये इस तरीके से, ये जब अच्छी तरह से पूरी तरह पानी के अंदर चला जाए, इसको आप ओपन नहीं रखेंगे, इसका स्टीम आ रहा है, और इसी कंडीशन में इसको आप कवर करके इस तरह रख दीजिए। इसको आप बीच में खोलिए, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाए इसको ओपन नहीं करना है। पेटल्स पूरी तरह से मर्ज हो जाए पानी में, इसके पेटल के सारे जो एसेंस है वो पानी में आ जाए, तब तक आप इसको ठंडा होने देंगे। बीच में इसके ढक्कन को खोलेंगे भी नहीं। इसके स्टीम से, इसके गर्म पानी से रोज पेटल्स और जो हिबिस्कस फ्लावर का पेटल है दोनों अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाएगा। ये हमारा स्पेशल टोनर, रोज वाटर या फिर फेस मिस्ट रेडी हो गया है। हमने पानी गर्म था उसको ठंडा कर लिया, उसको स्ट्रेन कर लिया और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये हुआ आपका एक्चुअल रोज वाटर जो बहुत ही फायदेमंद है। इसको मेन वुमेन कोई भी लगा सकते हैं। इसको हम कम्प्लीट करेंगे थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल के साथ। ये मैं मिला रही हूँ इसमें लैवेंडर ऑयल, ली 8 से 10 बूंद है। ये अब हमारा हो गया 100% कम्प्लीट। इसको एक स्प्रे बॉटल में रखेंगे और एवरीडे यूज़ करेंगे। इसके यूज़ करने का कोई खास टाइम नहीं होता। इसको आप मॉर्निंग में यूज़ कीजिए, ऑफिस से आकर बीच बीच में जब भी आपको चेहरे को फ्रेश करना हो आप इसको चेहरे पे स्प्रे कर लीजिए। आपने ये रोज वाटर बनाना कितना आसान था। रोज वाटर नहीं, ये तो फेस मिस्ट है, ये टोनर है, ये आपका फ्रेशनर है, चेहरे को फ्रेश कर सकते हैं पूरे दिन और बहुत ही आसानी है। मेन वुमेन सबके लिए है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि ये मेन के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि चेहरे पे बहुत ज्यादा वो केयर नहीं करते। बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है इस टोनर से, इस रोज वाटर से। आप फेस को कॉटन पे थोड़ा सा लेकर आप क्लीन कीजिए, यही आपके लिए क्लेंजर का काम करेगा, यही टोनर का काम करेगा, यही आपको फेस को फ्रेश करेगा। तो देखा आपने कितना आसान था। इसको बनाइए, इसको फ्रिज में आप आराम से 4 हफ्ते तक रख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कुछ एडिशनल प्रिजर्वेटिव नहीं डालिए, इसी तरह नेचुरल आप इसको यूज़ कीजिए। ये बहुत ही फायदेमंद है। इनफैक्ट आप इसको 2-3 बार जब यूज़ करेंगे तो देखेंगे आपका चेहरा बहुत ही क्लीन हो गया है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।